चैप्टर देखो, रेशो एंड प्रोपोर्शन। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग बच्चे, वांट टू से समथिंग? नो ओके राइट बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाउ सी बच्चों, जब देखिए आपके एग्जाम होते हैं, राइट? एग्जाम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे मार्क्स मिलते हैं, राइट? यस और नो? तो आपस में जो फ्रेंड होते हैं वो पूछते हैं ना, आपके कितने मार्क्स आए, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने आए, राइट? होता है बेटा ऐसा, यस और नो? तो क्यों पूछते हैं ऐसा? व्हाई वी आस्क फ्रॉम आवर फ्रेंड्स देयर मार्क्स? किसने पूछते हैं बच्चे, कौन बताएगा? यस और नो? एनीवन? चलिए मैं पूछ लेता हूँ बच्चों को। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम आपस में डिस्कस करते हैं कि एक सपोज 80 मार्क्स का पेपर है, एक बच्चे के 40 मार्क्स आए, एक के 60 आए, राइट? तो व्हाट वी डू, वी कंपेयर देयर मार्क्स, कंपैरिजन करते हैं ना बेटा। अच्छा, जिसके ज्यादा आए वो कहता बस 60 आए हैं, दूसरा कहता तेरे 60 आ गए हैं, तो क्यों करते हैं कंपैरिजन, राइट? एंड व्हाट आर द वेज ऑफ डूइंग कंपैरिजन? सपोज कीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, एक के मार्क्स 40 आए, दूसरे के मार्क्स, नाउ इसको कंपेयर करना है बेटा, व्हाट आर द वेज टू कंपेयर इट? कैसे कंपेयर करेंगे बेटा? हाँ जी टेल मी, सिक्सटी कहेंगे ना सपोज बी हैज गॉट, बेटा अभी सब्जेक्ट पे बाद में आते हैं हम, तो हम जनरली क्या कहते हैं, अच्छा 20 मार्क्स ज्यादा आए हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना बेटा, राइट और नॉट? ट्वेंटी मार्क्स ज्यादा आए हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस लिया। दूसरा वे होता है, हमने इनको परसेंटेज में कंपेयर किया, राइट? बेटा प्लीज सेटल डाउन, सेक्शन एफ, व्हाई यू पीपल आर मूविंग हेयर एंड देयर, टीचर प्रेजेंट, प्लीज लुक इनटू, प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास, राइट? सो व्हाट वी कैन से, नाउ दिस स्टूडेंट हैज गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो कितना परसेंट बन गया बेटा? परसेंटेज निकालनी आती है ना आप लोगों को, स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, हाउ मेनी परसेंट? 50%। 50% हो गया बेटा, नाउ दिस इज 50%, एंड हाउ मेनी मार्क्स 60 वाला बच्चा, यहाँ पे कितने परसेंट हो गए बेटा, 75% नहीं बनेंगे, राइट? सो अनदर वे इज कंपैरिजन दिस, कि हमने परसेंटेज में कंपेयर किया, इज इज क्लियर? नाउ परसेंटेज को एक और वे से हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन बाय डिवीजन, कंपैरिजन बाय डिवीजन, राइट? मींस सपोज कीजिए ए के मार्क 40 है, बी के 60 है, तो नाउ वी हैव टेकन द रेशियो, रेशियो मतलब डिवीजन बाय, कंपैरिजन बाय डिवीजन, तो ये क्या बन गया बेटा, बाय थ्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ए गॉट 2/3 ऑफ बी, यही हो गया बेटा, यहाँ पे ए गॉट 2/3 मार्क्स ऑफ बी, और अगर हम बी का कंपेयर करना है तो व्हाट विल बी बी गॉट, 60/40, यस और नो? तो बी गॉट 3/2 ऑफ
समझ में आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है? आपको विजिबल है बेटा बोर्ड? सर राइट। तो ए गॉट 2/3 मार्क्स ऑफ बी, मतलब ए के मार्क्स कम है ना बेटा, तो ए जो है वो 2/3 पार्ट है किसका, बी का, और बी कितना है 3/2 पार्ट ऑफ ए। इज इट क्लियर? द वे ऑफ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। लिख लीजिए डेफिनेशन, कंपैरिजन बाय डिवाइडिंग इज नोन एज रेशियो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग देर आर सर्टन थिंग्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर, राइट। जब यहाँ पे अभी आपने देखा हमने मार्क्स को कंपेयर किया है, राइट, इज इज क्लियर? सो बोथ मार्क्स डू दे हैव सम यूनिट? बच्चा कुछ यूनिट है इसकी, मार्क्स की? इससे नंबर ना, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। सपोज कीजिए वी आर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज विच है सर्टन यूनिट। सपोज हम दो प्लेसेस का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेट से इफ आई हैव टू से फ्रॉम चंडीगढ़ टू बच्चे, यह सेइंग डिस्टेंस ऑफ चंडीगढ़ एंड लुधियाना इज 100 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ चंडीगढ़ एंड दिल्ली इज 250 किलोमीटर। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, वी आर कंपेयरिंग डिस्टेंस। नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग डिस्टेंस, तो द यूनिट हेयर इज किलोमीटर एंड हेयर इज, किलोमीटर बोथ द यूनिट्स आर टाइम। सो व्हेन एवर यू आर कंपेयरिंग द यूनिट शुड बी सेम सेम समथिंग विच यू हैव ऑलवेज टेकन, राइट। सो प्लीज डू टेक केयर व्हेन एवर यू आर कंपेयरिंग, वी आर कंपेयरिंग डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं हम डिस्टेंस का। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। सेक्शन ए अपना कैमरा ऑन कीजिए। सेक्शन ए कैमरा इज नॉट ऑफ। हाँ जी बच्चे, तो सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो वी आर कंपेयरिंग 5 मीटर एंड 120 सेंटीमीटर, राइट। नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग दीज टू क्वांटिटीज, वन हैज यूनिट मीटर, अनदर हैज सेंटीमीटर, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक देयर यूनिट सेम। अब वेदर यू कैन मेक द सेंटीमीटर इनटू मीटर और मीटर इनटू सेंटीमीटर, जो आपको कंफर्टेबल है अब वो कर सकते हो। तो बेटर क्या रहेगा, 5 मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ वी कैन डू इट, अभी हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना डेसिमल्स में, सही है सर, क्या आपको 500 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर, सो नाउ 500 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा। 0 से 0 कैंसल, 2 पे 25 एंड 6, तो डिवीजन पे क्या आ गया 25/6 एंड दिस इज रिटर्न एज 25:6। सर। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? डाउट इसमें? राइट। नो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सर।
हाँ जी बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इन ए स्कूल, सपोज इन ए स्कूल वी हैव 500 स्टूडेंट्स एंड 20 टीचर्स, राइट? इन ए स्कूल वी हैव 500 स्टूडेंट्स एंड 20 टीचर्स। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच टीचर, और हाउ मेनी टीचर आर देयर फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो, सो व्हाट विल डू, विल डिवाइड इट तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, फॉर एवरी 25 स्टूडेंट देर 25:1 इज ए फॉर एवरी 25 स्टूडेंट देर इज वन टीचर इन दैट स्कूल। इज दिस क्लियर बच्चों? एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। नाउ देर आर टोटल ऑफ 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, लेट्स से देर आर 200 बॉयज एंड 300 गर्ल्स। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल, हाँ जी, टू रेशो सही थ्री। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट इसमें? राइट। सर नो सर नो Now there is a term called equivalent ratio. Now what is equivalent ratio? Equivalent example लेते हैं बच्चों, please. Next we have right. Can you see this? Can you count the number of squares? Yes. Now, check whether the two ratios are same or not. Are they equivalent ratio or not? Now, here, how many, if you have to represent in fraction, what 1/4 fraction will be? 1/4. How can you represent this? 20/5. 20/5. 5/20. So now we have to check whether these two ratios are same. हाँ जी बच्चों, प्लीज टेल मी वेदर द टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। यस कैन यू कट दिस, दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 1/4 1/4, इट इज आल्सो 1/4,
they are known as equivalent ratio. For example, you have 1 by 4. If you multiply and divide, means you multiply numerator as well as denominator by the same number. Let's say I have 7 se multiply kiya dono. So what it becomes? Right? So what we can write? 1 by 4, 5 by 20, 7 by 20, 8. They all are equivalent ratio. Is it clear, bacho? Yes. Have you understood what is equivalent ratio? Yes. Student को कोई doubt है तो please can ask the question. Right, bacho. Now we'll understand how to represent. How to represent the ratio in किस में represent करना है बेटा ratio को fraction, decimal, decimal, and third thing is percentage. Have you done percentage? Sir, yes. And percentage, beta. Understand how to represent a ratio in three different forms. Suppose question is. Listen to the question carefully, bacho. Okay, sir. हाँ जी. The there are. Forty girls. And 28 boys in a class, right? Find their ratio in percentage. First of all, what you have to do, you have to calculate their ratio in fraction. Can you find it in fraction? What it will be? 10 by 7. 10 by? 7. 7. 10 by 7. Is clear? Now, what you have to present it in fraction? What will be in fraction? 10 by 7. How you can present it in decimals? How you can present it in decimals? The 10.7. How 10.7? Just 1.0. Just divide 10 by 7, bacho. 10 को डिवाइड कर दो 7 से. 7 नंबर. Right? So it comes out to be approximately 1.43 नहीं होता बेटा 1.43. अभी हमने अपना डेसिमल्स वाला चैप्टर किया था तो वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि व्हेनेवर यू हैव अ डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस यू हैव टू रीड देम एज डिजिट बाय डिजिट नो 43 नो 430 इट हैज टू बी 43 और 430 नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन डेसिमल सॉरी परसेंटेज हाउ टू रिप्रेजेंट इन परसेंटेज फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 Divide by 10. Right? Now, 1.43, the value of 10 by 7 is? 1 by 43. Multiply by 100. So, what it becomes in percentage? 143%. Now, what is the meaning of this? Girls are 143% of boys in a class. Is this clear? Yes. Have you understood all the three things? Yes. Yes. Koi doubt beta isme? No. No. Right.
ये स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट इज, अभी तो हमने क्या किया, हमारे पास रेशियो थी, तो वी हैव कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एज वेल एज इनटू फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। नाउ इफ वी हैव टू डू अदर वे अराउंड, मींस परसेंटेज इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द रेशियो, राइट? सपोज नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल are 54% of girls, find their ratio. How to do this? Percentage is given, you have to convert into ratio. How will you do it, Peter? Tell me. Raise your hands. कौन एक्सप्लेन कर सकता है कोई? देखिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट? पर सेंट, दिस इज मेड बाय टू वर्ड्स, पर सेंट, राइट? पर का मतलब होता है डिवाइड, राइट? और सेंट का मतलब होता है हंड्रेड, ठीक है? मीन्स फॉर एवरी हंड्रेड, और इसको कह सकते हैं फॉर एवरी हंड्रेड, राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? देन आई एम सीइंग 84% मीन्स 84/100. व्हेन वी से A student got 95% mark. So what is the meaning of this? For every 100 mark, that student has got 95 mark. बच्चे आप परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं आपकी? सपोज आपके फाइव सब्जेक्ट्स हैं, राइट? ठीक है, सपोज फाइव सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, ये यहाँ पे विजिबल है, आपके फाइव सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, फाइव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं हमारे पास, एक सब्जेक्ट में 98, 96, 94, 91, 93 मार्क्स आए फाइव सब्जेक्ट्स में। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैन एनीबडी टेल? किसी पर्सन की परसेंटेज निकालते हैं किसी स्टूडेंट की, तो हाउ वी फाइंड आउट? हु विल टेल मी, प्लीज रेज योर हैंड। कोई नहीं बताएगा, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? यस बच्चों, और परसेंटेज का मतलब ये होता है, फॉर एवरी 100 मार्क्स अ स्टूडेंट गॉट, राइट, इन एवरी सब्जेक्ट, मीनिंग यही होता है, ठीक है? सपोज किसी बच्चे के 90% है, तो फॉर एवरी 100 मार्क्स ही गॉट 90 मार्क्स, राइट? इज इट क्लियर? यस। देन वी हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, सो व्हाट विल डू, वी जस्ट डिवाइड इट बाय 100, तो परसेंटेज निकालिए बच्चों आप, अच्छा सॉरी, रेशियो निकालिए जरा, व्हाट विल बी द रेशियो? रेशियो नहीं, फाइंड आउट करनी है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द, फाइंड देयर रेशियो, रेशियो बेटा पूछे क्या डाउट्स है, सेक्शन एफ, हु इज द स्टूडेंट, प्लीज टेल मी योर डाउट्स,
Madam, please tell what they want to ask. हाँ जी बच्चे हो गया। हाँ जी बच्चों, टेल मी व्हाट इज द रेशियो। कितनी देर क्यों लग रही है बेटा? यस, इसको कट ही तो करना है। 84 डिवाइड बाय 100। सर 21:25। ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। 4 2 4 1 4 2 4 5। तो आपके पास 21:25 रेशियो वी कैन राइट देम एज 21:25। 25। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो? द मीनिंग ऑफ दिस इन दैट क्लास और इन दैट स्कूल फॉर एवरी 21 बॉयज देर आर 25 गर्ल्स। द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो इज फॉर एवरी 21 बॉयज देर आर 25 गर्ल्स इन द स्कूल। इज इट क्लियर बच्चों? यस आगे चलते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो इसमें प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन। बेटा हमने सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट द परसेंट इनटू रेशो। रेशियो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू रेशियो। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू रेशियो? डेसिमल इनटू रेशियो। हाँ जी बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू रेशियो? सपोज इट इज गिवन, कन्वर्ट 0.45 इनटू रेशियो। यस, हाउ टू कन्वर्ट? हु विल टेल मी? कौन बताएगा बच्चों? एनीवन फ्रॉम एनी सेक्शन? की क्लास में प्लीज। सर 45/100 यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एंड देन फ्रॉम फ्रैक्शन वेरी सिंपली वी कैन कन्वर्ट इट इनटू। रेशो तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल, तो दिस विल बिकम, 45/100। उसको कट कर दिया, 5 9 था, 5 2 था, तो इट कम्स आउट टू बी, एंड 9/20। रेशियो विल बी, बेटा 9/20। बच्चों यस एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? सर नो। चले आगे चले। हमने यस कॉन्सेप्ट किया, हम इससे कुछ कोशिश करते हैं। Have you got the assignment? Have you got the assignment, बच्चों? No. Okay, no problem. The No. question we have 15/21 equal to fill in the blanks you have to do.
प्लीज डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स। और कोई भी बच्चा आंसर बोलेगा नहीं, द ओनली स्टूडेंट टू होम आई आस्क विल आंसर इट। प्लीज डू दिस क्वेश्चन बच्चों। प्लीज डू दिस बच्चो, यू हैव बीन गिवन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट? एक्सक्यूज मी सर, यस सर वी कांट अंडरस्टैंड। राइट, आई एक्सप्लेन। हैव यू डन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशियो? व्हाट यस इज दैट? व्हाट इज दैट? रेशियोज आर इक्वल। आई सॉल्व वन थिंग। इट इज गिवन 15/21। कैन यू कट 15/21? कैन यू कट 15/21 और नॉट? डिवाइड बाय 3 बोथ। कैन यू राइट दिस एज 5 बाय? सेवन स्मॉलेस्ट रेशियो में हम ले आए बेटा इसको, राइट? Now it is 5/7. What is this? So 14 this is? seven Here denominator is 14, here is 7. So what we shall do with this? If we multiply 2 by 2, denominator will become? What will denominator be better? Denominator? सर What will be the numerator? टेन Have you understood? यस Can you do the rest of the fill-ups? सर यस Please try now, बच्चों. मल्टीप्लाई टू में करके देखते हैं 16 6 समझ में आ रहा है? प्लीज डू आएगा एक बार मल्टीप्लाई ये मेरे तो 10/14 आया 14 14 हो गया कितना आया 7/13 बच्चों, डन? अरे व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बेटा? इफ यू हैव डन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन प्लीज रेज योर हैंड। अभी मैं एक बच्चे को बुला लेता हूँ, खुशदीप फ्रॉम स्टेट। 7/24 डन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस हाँ जी खुशदीप अभी कर रही थी बेटा, अभी तक क्या किया आपने? सर, हाफ हो गया था आप जितना हो गया उतना बता दो मुझे। हाँ जी, 5/7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आपका? 10/14 ओके, नेक्स्ट वाला बताओ ना, वो तो मैं करा चुका हूँ, आगे वाले बताओ जरा। 10/14 को 2 के साथ डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया तो कितना आया? अरे 5/7 बेटा उसके बाद हमें तो ये निकालना है ना, 20/7 कितना आएगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, ये आ रहा 15, 10/14, तो यहाँ पे 10 का डबल है ना 20, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा? सर राइट? देखिए बच्चे, इसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो थी दैट वाज
5 by 7 रेशो वाज 5 by 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब यहाँ पे 20 गिवन है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है? 7 20 को 4 से करेंगे कितना आएगा? कम टू द लास्ट वन, डिनोमिनेटर 35, 7 बाय 7 5 का 35, तो 5 5 का 25। एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन करेंगे और इस तरह का। यस चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सेम वे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। सेक्शन ए नो टॉकिंग प्लीज। बच्चों जल्दी कीजिए बेटा। ओके जी पीयूष फ्रॉम 6B, पीयूष फ्रॉम 6B प्लीज कम बेटा। यस बेटा हैव यू डन? नो राइट चलो अभी फर्स्ट वाला हुआ है फर्स्ट वाला बता दो बस सर 10 आंसर आया कहाँ पे? यहाँ फर्स्ट पे 10 आ गया। नेक्स्ट यस टाइम तक सर बताइए नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ कैसे आया, मुझे तो 10 के बारे में। हाँ जी पहले 6 12 और 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई वेरी गुड, कितना आ गया यहाँ पे? वेरी सर 2 by 3 गुड सर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वेरी गुड को वेरी गुड बेटा, डू द नेक्स्ट वन। सर 10 को 5 के साथ वो मल्टीप्लाई कर दिया हाँ ठीक है जाइए आप बेटा। सर 2 by 3 है स्कूल नेक्स्ट नेक्स्ट सेजल आ जाए सेक्शन 6B से। सेजल सेजल फ्रॉम 6B
इशी जाओ। देर प्लीज कम। कैमरे में आ जाइए, थोड़ा पीछे होके खड़े हो जाइए बेटा, नजर नहीं आ रहे आप। हाँ जी, हैव यू डन द क्वेश्चन? आपको समझ नहीं आया बेटा? सर नहीं, आप पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको समझ आया है नहीं आया? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? सर समझ आ गया तो मुझे बताओगे कि करना कैसे है फिर, अगर समझ आ गया तो। बेटे या तो समझ आया है फिर तो हो जाना चाहिए, अगर समझ नहीं आया है तो देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे करेंगे बताइए इस क्वेश्चन को फिर। हाउ यू आर क्वाइट डाउन? सर हाँ बोलो बोलो। नेक्स्ट का आंसर है 14 by 21। कैसे आया बेटा आंसर? बोलिए बेटा, आंसर कैसे आया? बोलिए बोलो, सर बाय मल्टीप्लाई 7 किसको मल्टीप्लाई करना है 7 से? सर 3। आपको कैसे पता चला कि 3 को करना है बेटा? सर बाय सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा देखिए क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड दिस नंबर। इफ यू सी, इफ यू मल्टीप्लाई 2/7 देन यू गॉट न्यूमरेटर 14, राइट? न्यूमरेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये वाला न्यूमरेटर आया? 7 से। तो सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3 into 7, दैट इज 21, राइट? चल जल्दी से आप नेक्स्ट वाला बताइए क्या आएगा बेटा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? कैसा सर आया बेटा? हाउ कम 18? हाँ जी, कैसे yes, मल्टीप्लाई बेटा 2/3 था और वहां पे डिनोमिनेटर 27 है, आपने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। सिमिलरली सर 2 को भी आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट विल गेट 18 इन द न्यूमरेटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डाउन बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? चलिए बच्चों, वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, इसके बाद वाला, राइट? तो यस मच फॉर बाय सर। थैंक यू।